अगर आपके पास है 1000 इंडियन रुपीस, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी दैट विद 1000 इंडियन रुपीस और 3 सुपर पावरफुल प्रोडक्ट्स के साथ आप कैसे बना सकते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्किन केयर रूटीन। आज की रूटीन में हम 3 कॉमन स्किन कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे जो प्रिटी मच सबको हैं इफ यू आर अबाउट द एज ऑफ 20 और 25। नंबर 1, एंटी एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल्स, सो एंड सो फोर्थ। Number 2, blackheads and open pores. This happens at every age to everyone. And number 3, pigmentation, two-toned skin, halke fulke dark spots. Dark spots, anti-aging and blackheads and open pores, these are the 3 most common skincare concerns jo maine dekhe hain in my entire career as a skincare consultant. So aaj ki video, get ready with 1000 rupees and I'm going to give you the best skincare routine ever. हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी, नाउ अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। और आज की वीडियो है दुनिया का सबसे अफोर्डेबल एंड सबसे पावरफुल स्किन केयर रूटीन। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बनाती हूँ नई वीडियोज हफ्ते में 4 बार, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे, और हफ्ते के बीच में आते हैं बोनस वीडियोज। साथ ही साथ अगले हफ्ते से मैं शुरू कर दूंगी आना लाइव। टुडे वाज माय फर्स्ट लाइव एंड आगे जाके मैं और भी ज्यादा लाइव आऊंगी। सो आई एम गोइंग टू बी पुटिंग आउट माय लाइव स्केड्यूल्स इन अ पोस्ट व्हिच यू कैन चेक आउट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रॉब्लम नंबर 1, जो सबको होती है। इट इज सुपर कॉमन एंड दैट हैज ब्लैक हेड्स एंड ओपन पोर्स। नाउ ब्लैक हेड्स एंड ओपन पोर्स को ठीक करने के लिए हमें चाहिए BHA यानी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं ऑयल सॉल्युबल जो हमारे पोर्स को डीप इनसाइड से क्लेंस करते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर AHAs जैसे लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड मेंडेलिक एसिड। अब BHA का एक फॉर्म है सैलिसिलिक एसिड एंड बहुत सारे ब्रांड्स में यू गेट 2% सैलिसिलिक एसिड सेरम, जिसे मैं यूजुअली हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप लगाएं हफ्ते में 2 मैक्सिमम 3 बार। अब इसी का ही एक बहुत अफोर्डेबल वर्जन जो आपको मिल जाता है फार्मेसीज में इज ज़िटकेयर जेल। ज़िटकेयर जेल इज 1% सैलिसिलिक एसिड, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी आप इसे हफ्ते में 2 की जगह 3 या 4 बार भी लगा सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी अफोर्डेबल सैलिसिलिक जेल ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट कह रही हूं बट दिस इज इन अ जेल फॉर्म, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। ज़िटकेयर जेल को आप लगाएंगे हफ्ते में 2, 3 या इवन 4 बार अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स एंड ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। बट रेकमेंडेड रूटीन इज 3 टाइम्स अ वीक। आप इसे लगाएंगे अपने चेहरे पे जहां पर भी आपको ब्लैक हेड्स ओपन पोर्स हैं। आपको लेना है एक पी साइज अमाउंट, पूरे चेहरे पे डॉट करना है, अंडर आई एरिया, नोज के साइड्स, लिप्स के साइड्स को अवॉइड करना है एंड यू विल जेंटली स्मूद इट ओवर। इसे आप लगाएंगे हफ्ते में रात को 2 से 3 बार और इसके ऊपर आप लगाएंगे आपका मॉइस्चराइजर। रेगुलर यूज ऑफ ज़िटकेयर जेल जो है सैलिसिलिक एसिड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करेगा, आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ऑल्सो अगर आपको कभी कभी एक्ने आ जाता है तो ये एक बहुत इफेक्टिव स्पॉट ट्रीटमेंट है। सो इंग्रेडिएंट नंबर 1 जो होना चाहिए आपके पास, जिसकी कीमत 200 रुपीज से कम है, दैट इज 1% सैलिसिलिक एसिड ज़िटकेयर जेल। Now let's look at ingredient number 2, which is also super affordable and super necessary. And वो है एक ऐसा product जो आप लगाएंगे अपने सुबह के routine में। सुबह के routine में हम हमेशा recommend करते हैं कि आपके routine में होना चाहिए एक antioxidant और sunscreen। ये दो products base है morning skin care routine के। So morning skin care routine में आप लगाएंगे Melashore gel। इसकी कीमत is about 300 rupees। अगर आप इसे online लेते हैं तो थोड़ा सा और सस्ता हो जाता है। Melashore gel is a fabulous treatment. This has niacinamide, alpha arbutin, kojic acid and licorice root extract. चारों ही चारों ingredients बहुत ही brightening है एंड ये स्किन पे सुपर जेंटल है, ये स्किन को इरिटेट नहीं करता। सो अगर आपको एक्ने मार्क्स की प्रॉब्लम है, आपके चेहरे पे थोड़े से मार्क्स रह गए हैं एक्ने के बाद, या अगर आपको इस तरह छाइयां पड़ रही हैं, छाइयां एक्चुअली यहां और यहां पड़ती हैं, आपको चेहरे पे छाइयां पड़ रही हैं, सन स्पॉट्स हैं, एज स्पॉट्स हैं, हर सुबह आप लगाएंगे मेलाशोर जेल। मेलाशोर जेल भी एक थिन जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी है और इसे आप पी साइज अमाउंट से थोड़ा ज्यादा निकालेंगे, पूरे चेहरे पे डॉट करेंगे, सेम प्रोसेस है, अंडर आई एरिया, नोज के साइड, लिप्स के साइड को अवॉइड करेंगे और इसके ऊपर आप लगाएंगे अपना सनस्क्रीन। ये अगर आप करते हैं हफ्ते में 7 दिन एंड यू डू दिस कॉन्स्टेंटली, दिस विल गिव यू द मोस्ट ब्राइट ग्लोइंग फ्लॉलेस ग्लास लाइक स्किन। ये पूरे ही के पूरे प्रोडक्ट्स जो जिस तरह से मैं एंड में रूटीन में डालूंगी, यू विल अंडरस्टैंड हाउ दीज अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू गिव यू एब्सोल्युटली ग्लास लाइक स्किन। सो द सेकेंड प्रोडक्ट दैट आई रेकमेंड जो आपके मॉर्निंग रूटीन में जाता है इज मेलाशोर जेल।
अब आ जाते हैं आपके एंटी एजिंग कंसर्न को ट्रीट करने वाला एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसके ऊपर 50 साल से ज्यादा रिसर्च है. दिस इज द मोस्ट रिसर्च्ड इंग्रेडिएंट. दिस इज प्रूवन टू हेल्प फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, टू रिड्यूस पिगमेंटेशन, टू रिड्यूस ब्लैक हेड्स एंड ओपन पोर्स, टू रिड्यूस एक्ने. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक ऑल इन वन प्रोडक्ट है, एंड दैट इज ट्रेटिनोइन. अब ट्रेटिनोइन इज मेडिकल ग्रेड रेटिनॉइड. ये अलग है रेटिनॉल से. इसका डिफरेंस और रेटिनॉल का डिफरेंस आई वुड लाइक टू क्विकली एक्सप्लेन टू यू. रेटिनॉल होता है ओवर द काउंटर प्रोडक्ट जो मिलता है क्रीम्स, सेरम्स फॉर्म में, कैप्सूल्स फॉर्म में भी. और ये प्रोडक्ट, इसके अंदर जो कोर विटामिन ए की कॉन्सेंट्रेशन है कम होती है, इसीलिए इसे कहते हैं ओवर द काउंटर प्रोडक्ट. यानी इसे आप आराम से शॉप से ऑनलाइन खरीद सकते हैं. दिस इज ओवर द काउंटर. इसी का जो सुपर स्ट्रॉन्ग कजन है वो है ट्रेटिनोइन. ट्रेटिनोइन इज अ रेटिनॉइड. इसमें विटामिन ई की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए दिस इज अ प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा केमिस्ट या फार्मेसी से. लेकिन इन मोस्ट केसेस इंडिया फार्मेसी, इवन यूएई, पाकिस्तान, फार्मासिस्ट आपसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगते. सो यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड गेट दिस प्रोडक्ट. पर अगर आप इस प्रोडक्ट को लाइफ में पहली बार लगा रहे हैं, मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ शुरू करें रेटिनॉल बेस्ड क्रीम से, देन मूव ऑन टू ट्रेटिनॉइन. एंड इफ यू आर अ फॉलोअर ऑफ दिस चैनल, आई एम प्रीटी श्योर अभी तक आप कोई ना कोई रेटिनॉल क्रीम लगा रहे हैं. अगर आपको 3 से 4 महीने हो गए हैं यूजिंग अ रेटिनॉल बेस्ड क्रीम, दिस इज द राइट टाइम यू विल स्टार्ट यूजिंग ट्रेटिनॉइन. ट्रेटिनॉइन आप यूज करेंगे रात के रूटीन में. रात के रूटीन में ट्रेटिनॉइन को लगाएंगे आप चेहरा डबल क्लेंस करने के बाद. यू विल टेक द टाइनियस्ट पी साइज अमाउंट, यानी मटर के साइज जितना, और फिर इस प्रोडक्ट को आप पूरे चेहरे पे डॉट करेंगे. इसे रब नहीं करना है, आप हल्के हाथों से स्मूद ओवर करेंगे. उसके बाद यू वेट फॉर अबाउट 4-5 मिनट्स एंड देन यू विल अप्लाई योर फेस क्रीम. अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आसानी से इरिटेट हो जाती है, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो रेटिनॉल लगाने से पहले या ट्रेटिनॉइन लगाने से पहले आप यूज़ करेंगे सैंडविच टेक्निक. सैंडविच टेक्निक में पहले आप लगाते हैं फेस क्रीम, फिर लगाते हैं ट्रेटिनॉइन, उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर लगाते हैं फेस क्रीम. इस तरह जब आप दो क्रीम्स के बीच में या एक क्रीम के बीच में ट्रेटिनॉइन का सैंडविच बनाते हैं, आपकी स्किन पे इरिटेशन कम होती है. बट अगर आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, तो आप डायरेक्टली ट्रेटिनॉइन के बाद फेस क्रीम लगा सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अफोर्डेबल फेस क्रीम ऑप्शंस, एंड देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ देम, बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ फ्यू ऑफ देम. अगर बात करें एक अफोर्डेबल फेस क्रीम की जो आप सुबह और शाम लगा सकते हैं, किसी भी एक्टिव, किसी भी एंटीऑक्सीडेंट के बाद लगा सकते हैं, तो वो है ला शील्ड की मॉइस्चराइजिंग फेस क्रीम. नाउ इसकी रिटेल प्राइस इज अबाउट 250 रुपीज, सो इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल. एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर ब्यूटिफुल. ग्लिसरीन, पाकीशिया बटर, स्क्वालीन एंड विटामिन ई. सम ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स पाई जाती हैं बहुत एक्सपेंसिव क्रीम्स में. ये आपको देता है 72 आवर अप टू मॉइस्चराइजेशन. प्रोडक्ट थिक नहीं है लेकिन बहुत हाइड्रेटिंग है. सो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो दिन के रूटीन में डेफिनेटली आई विल टेल यू स्किप दिस प्रोडक्ट, डायरेक्टली अपना सनस्क्रीन लगाएं. लेकिन तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर फिर सनस्क्रीन लगा सकते हैं. रात के रूटीन में डेफिनेटली आफ्टर यू यूज योर ट्रेटिनॉइन, या हफ्ते में 2 से 3 बार जब आप अपना जिटकेयर जेल लगाते हैं, उसके बाद भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं. इट इज फैब्यूलस. ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा. एंड जब स्किन अंदर से वेल हाइड्रेटेड, वेल मॉइस्चराइज्ड होती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ग्लास स्किन जैसी लगती है. और कोई भी स्किन केयर रूटीन कभी भी कंप्लीट नहीं होता विदाउट द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, और वो है एक सनस्क्रीन. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी अफोर्डेबल सनस्क्रीन ऑप्शन जो आप हर स्किन टाइप का इंसान यूज कर सकता है. एंड दिस इज एक्चुअली अंडर 200 रुपीज, एंड दैट इज द ला शील्ड सनस्क्रीन जेल. दिस इज अ मिनरल बेस्ड फॉर्मूला. अ लॉट ऑफ टाइम्स यू गाइज डोंट वॉन्ट टू यूज केमिकल बेस्ड फॉर्मूला, स्पेशली सम ऑफ यू आर प्रेग्नेंट. दो कोरियन सनस्क्रीन्स आर कंप्लीटली सेफ, एंड मोस्ट सनस्क्रीन्स टूडे डोंट हैव टॉक्सिक इंग्रीडियंट्स लाइक ऑक्सीबेंजोन, बट दे आर अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव. सो एक अफोर्डेबल ऑप्शन विच इज अंडर 200 रुपीज इज द ला शील्ड मिनरल सनस्क्रीन ऑप्शन. अगर आपको ये यूज नहीं करना, तो 200-300 रुपए और खर्च करके यू कैन गेट एनी अदर सनस्क्रीन ऑफ योर चॉइस. बट जो मेन फाउंडेशन है आपके रूटीन की, द मेन इंग्रेडिएंट्स दैट विल गिव यू ग्लास स्किन आर बेसिकली 3. Your salicylic acid ointment or your salicylic acid gel, which is Zitcare gel. Your Melashore gel, which will work on your pigmentation and dark spots. And number 3, your tretinoin. Agar ye 3 ingredients aapke paas hain, then you don't need to spend 20,000 rupees on anything extra, because these pharmacy products are truly so powerful and so good that you will see your skin change and transform.
एक छोटा सा नोट जो मैं हर वीडियो के एंड में या पहले कहती हूँ, पर अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इससे पहले आपने कभी भी कोई केमिकल एक्सफोलिएंट नहीं यूज़ किया है जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, या आपने कभी भी रेटिनॉल नहीं यूज़ किया है, देन प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट यूजिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स एक साथ. ये नहीं कि यू टेक योर 1000 रुपीज़, गो टू द फार्मेसी, बाय एवरीथिंग टुगेदर एंड स्टार्ट यूजिंग इट. उससे आपकी स्किन पर रिएक्शन हो सकता है. स्टार्ट विद वन प्रोडक्ट एट अ टाइम. द सिंपलेस्ट वन यू कैन स्टार्ट विद इज मेलाशोर जेल, क्योंकि इसे वैसे भी आपने सातों दिन लगाना है. सुबह 7 days a week यू विल यूज मेलाशोर जेल इन द मॉर्निंग बिफोर योर सनस्क्रीन. सो यू कैन स्टार्ट बाय यूजिंग मेलाशोर जेल. जब आपकी स्किन इससे एडजस्ट कर जाए, एंड 99.9% nobody gets irritation because this is such a fabulous product. उसके बाद आप जा सकते हैं by starting to use your Zitcare gel. उसे आपने use किया हफ्ते में 2 बार, first week. Then you can start using Tretinoin once a week, then twice a week, and धीरे धीरे products की frequency को build करें. This is the final recap of the routine. In your morning skincare routine, आप use करेंगे cleanse करने के बाद Melashore gel, then you will use your sunscreen. In the PM, you will use Tretinoin 3 to 4 times a week, and you can use Salicylic Acid Gel Zitcare up to 3 times a week. ये हमेशा याद रखें कि Tretinoin and Salicylic Acid को आप एक साथ एक रूटीन में नहीं लगाएंगे. You will 100% use them on different days. And if you follow this routine, try this for like 30 days or 40 days, like 2 months, and come back to this very video and tell me how your skin has transformed. मैं लाती हूँ बहुत सारी budget videos, so अगर आप देखना चाहते हैं budget videos में और भी solutions, then do let me know in the comments below. But हमने cleanser, cleansing balm इसकी बात नहीं करी, toners की बात नहीं करी, because आज की routine में हम सिर्फ कोर रूटीन पे फोकस कर रहे हैं. लेकिन फार्मेसीज में मिलते हैं बहुत अमेजिंग फेस वॉशेस, बहुत अमेजिंग टोनर्स. सबकी लिस्ट मैं डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डू गो हेड एंड चेक इट आउट. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. हेल्प मी रीच 50,000 सब्सक्राइबर्स. मैं आपसे मिलूंगी अगली बार. टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.